जालौर के सांचौर में नर्मदा नहर परियोजना की वितरिकाओं में टेल तक पानी पहुंचाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में किसान है वो नर्मदा नहर परियोजना के कार्यालय पहुंचे हैं। यहां धरना प्रदर्शन किया गया है और उसके बाद में अधिकारियों से वार्ता हुई है। ये जो तमाम किसान हैं वो अलग अलग गाँवों से पहुँचे हैं और जो वितरिका हैं जो सिंचाई के लिए नर्मदा नहर परियोजना से पानी मिलना चाहिए था वो टेल तक नहीं पहुँच रहा था, ये किसानों की शिकायत थी। और उसके बाद में यहाँ बड़ी संख्या में किसान पहुँचे, उसके बाद में अधिकारी पहुँचे, वार्ता हुई है भाजपा नेता धनाराम जी है। धनाराम जी, क्या वार्ता हुई है, क्या समस्या है किसानों की? किसानों की बड़ी पानी की समस्या है क्योंकि रबी फसल में जो पहले 15 दिन के लिए पानी इनको खास चाहिए उसमें पानी जो नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पे जो लोग टेल तक आबादी तक पानी पहुँचा नहीं है, तो हमने अधिकारियों से अभी वार्तालाप की कि भाई पहले टेल पे पहुँचाओ। तो किसानों ने भी इनको सपोर्ट किया है कि हम सब मिलके अब 3 दिन हम इनको पानी दो, टेल वालों को फिर हम बाद में हमें दो, लेकिन उस हिसाब से भी पानी नहीं मिल रहा है, तो इन सब समस्याओं के लिए हम आज साथ बैठे इनका अभी समाधान हम कर रहे हैं। अधिकारी भी है नर्मदा नहर के, क्या वार्ता हुई है, क्या समस्या क्या है किसानों की? वो जो इन्होंने बताया वो ठीक है कि किसानों के टेल तक पानी पहुंचना चाहिए और बारिश से सबको पानी मिलना चाहिए। अब समस्या का समाधान हो गया? हाँ, समस्या का समाधान हो गया है और वाराबंदी करके नियमानुसार टेलों तक हर प्रत्येक नहर के टेल तक पानी पहुँचाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। किसान भी मौजूद है, किसान से भी बातचीत करते हैं। कौन कौन से गाँवों में समस्या है? ये समस्या सांचौर लिफ्ट है, सांचौर लिफ्ट की पूरी समस्या है, पानी देते नहीं है। 4 मोटरें चलानी चाहिए, मोटरें 2-3 यूँ चलती है, 4 ही मोटरें चले और बारी बाराबंदी हो, 3 दिन आगे टेल पे पानी जाए, 3 दिन पीछे, तो किसानों की सब सुविधा हो सकती है। कौन से गांव से आए हो? मैं पारपुड़ा माइनर से हूँ, महेश पुरोहित। क्या समस्या आपके गांव में? हमारे पानी की समस्या थी, ये बाराबंदी से पानी मिलता है, पानी कम आता है, इस हिसाब से पानी की समस्या थी, पानी की जरूरत के लिए हम आए थे। अब समाधान हो गया? हाँ, अभी आश्वासन मिला है हमारे को समाधान। तो अब जो वार्ता हुई है नर्मदा नहर परियोजना के अधिकारियों से उसके बाद में आश्वासन दिया गया है, अब किसानों ने जो धरना है वो समाप्त की घोषणा कर दी है और ये कहा गया है कि किसानों को जो सिंचाई के लिए पानी मिलना है वो अब समय पर मिलेगा। कैमरामैन प्रकाश के साथ लूणाराम, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जालौर।